नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूक्रेनियन क्राइसिस के कारण किस प्रकार से यूएस ने अपनी विदेश नीति ही पूरी तरह से बदल दी है। यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेनेजुएला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये वही वेनेजुएला है जिस पर पिछले कई सालों से यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे और इस पूरी राजनीति के पीछे, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के पीछे कारण है ऑयल। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, यहां पर तेल के बहुत बड़े भंडार हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स होल्डिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यूएस के साथ इनके संबंध क्यों खराब हुए थे, इसका ब्रीफ इतिहास हम जानेंगे अभी आगे कुछ मिनट में। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि मेरे जो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं उनको आप देख सकें, टाइमली उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अभी आपको बहुत ही शानदार एक ऑफर मिल रहा है जिसमें जीएस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ऑप्शनल फ्री में मिल जाएगा। सो इफ यू आर गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू गेट द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, दैट इज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका फायदा उठाइए, लिंक नीचे पहले कमेंट में है। 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है। ध्यान में रखिए, दो तरह की लिस्ट होती है ऑयल में, दो रैंकिंग्स होती हैं। एक होता है कि ऑयल रिजर्व्स और दूसरा होता है ऑयल प्रोडक्शन। तो ऑयल रिजर्व्स में वेनेजुएला या सऊदी अरेबिया जनरली टॉप करते हैं। ये दोनों देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े ऑयल के भंडार हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस ऑयल को ये एक्सट्रैक्ट करके आज का आज बेच दें या अगले 5 साल में बेच दें। इन्हें भी पता है कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसीलिए इसे धीरे धीरे ये लोग सेल ऑफ करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं। रशिया भी इस लिस्ट में अमूमन 6वें 5वें स्थान पर कई बार रहता है, लेकिन रशिया का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। यूएस भी इस लिस्ट में आपको दिखेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लिस्ट में नीचे है। तो वेनेजुएला और ईरान दो ऐसे देश हैं जिनके पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन अमेरिका ने इन पर सैंक्शंस लगा रखे हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल रीजन से, और ये इसीलिए तेल का उत्पादन करके उसे बेच नहीं पाते। जब बेच ही नहीं पाएंगे तो उत्पादन करके क्या मतलब है, तो इनका रिजर्व्स, इनके कोई काम नहीं आ रहा है और इनके एक्सपोर्ट्स नाम मात्र के चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से बिकॉज ऑफ द यूएस एम्बार्गो और यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस। आप एक बात से काफी हैरान हो जाएंगे, दुनिया में 2020 में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन यूएस ने किया था। जी हाँ, अमेरिका ने सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ऑयल प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा होता है और ये प्राइवेट कंपनीज दुनिया के दूसरे देशों को ऑयल बेचती हैं महंगे दामों पर, और यूएस खुद सस्ता ऑयल खरीदता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से या मोस्टली जो सऊदी अरेबिया और उसके जो अन्य पार्टनर कंट्रीज हैं वहां से। सो यूएस वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन 2020। सेकंड नंबर पर है रशिया। अगर ऑयल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट देखें तो सऊदी अरेबिया यूजुअली टॉप करता है, रशिया भी सेकंड थर्ड पर रहता है, लेकिन अभी रशिया इस लिस्ट में बहुत नीचे चला जाएगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया अपने ऑयल का क्या करेगा, ये रशिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यह है कि इतना सारा ऑयल जो कम हो गया है मार्केट में वो कहाँ से लाया जाए, ये शॉर्टफॉल कहाँ से कवर किया जाए। और ये यूएस को भी प्रॉब्लम है क्योंकि यूएस भी बहुत बड़ी मात्रा में रशियन ऑयल खरीदता था। तो ऐसे में यूएस के सामने एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो अपने ऑयल एंड गैस की व्यवस्था कहाँ से करे। तो उन्होंने अपने पुराने दुश्मन वेनेजुएला और ईरान से बातचीत शुरू करी है ताकि इनसे फिर से ऑयल खरीदा जा सके। तो मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ वेनेजुएला के साथ यूएस के कैसे संबंध रहे हैं। देखिए, वेनेजुएला में आज से 30-40 साल पहले बहुत शानदार एग्रीकल्चर सेक्टर था, चॉकलेट इंडस्ट्री थी, कई सारे स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी यहाँ पर, लेकिन डच डिजीज ने इस देश को बर्बाद कर दिया। डच डिजीज क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है पाथफाइंडर पे, उसे जरूर देखिएगा। तो इसके जो नॉन रिसोर्स सेक्टर्स थे, बेसिकली जो नॉन पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है और इकोनॉमी इनकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है 1980s ऑनवर्ड्स। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी रेट्स बढ़ा दी थी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी थी, जिसके कारण कई लैटिन अमेरिकी देश जो हैं ये कर्जे में आ गए, डेट्स में आ गए, क्योंकि इन्होंने अमेरिकी बैंकों से कर्जा लिया हुआ था अपने देश को तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। तो इन पॉलिसीज़ के कारण धीरे धीरे वेनेजुएला की 2/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली गई। 1998 में यहाँ पर एक पॉपुलिस्ट लीडर ह्यूगो शावेस चुनाव जीत जाते हैं, और ह्यूगो शावेस ने आते ही कहा कि ये सारी विदेशी कंपनियाँ, अमेरिका हमें लूट रहा है, तो इनकी ऑयल वेल्थ को हम, हमारी ऑयल वेल्थ को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल कंपनीज के साथ रीनेगोशिएट करते हैं। तो ह्यूगो शावेस ने सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट किया, लेट 90s अर्ली 2000s की बात है, जितनी भी एंग्लो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ वेनेजुएला ने एक बेहतर डील करी। इससे वेनेजुएला के लोगों को लगा कि इतने साल से हमारे साथ चीटिंग हो रही थी, और शावेस ने ऑयल के द्वारा लाए गए इस पैसे को अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो इन्होंने अपनी आबादी को बहुत सारा राशन फ्री में दिया, बहुत कुछ फ्री में दिया गया यहाँ की पॉपुलेशन को, लेकिन धीरे धीरे इसके कारण यहाँ की इकोनॉमी खराब हो रही थी बिकॉज अगेन डच डिजीज।
सन 2000 के इस दशक में वेनेजुएला को ऑयल का पैसा भी बहुत मिला, एक तो डील अच्छी कर ली थी और दूसरा इराक युद्ध के कारण ऑयल के प्राइसेस हाई चले गए थे। सो 2004 से 2007-08 के बीच में वेनेजुएला और अन्य ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को बहुत बेनिफिट होता है और कई सारे दक्षिणी देश एक नया संगठन बनाते हैं, बैंक ऑफ द साउथ। ये वो देश है, मोस्टली साउथ अमेरिकन कंट्रीज थे जिनको लगता है कि अभी तक वर्ल्ड बैंक या फिर अन्य इंस्टीट्यूशंस जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लेड हैं वो हमें लूट रहे हैं या फिर उनकी पॉलिसीज से हमें नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने अपना खुद का बैंक बना लिया और ये अपने डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने लगे, अपने ही देशों को लोन देने लगे। सो दिस इज समथिंग लाइक व्हाट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना हैव ऑल्सो डन, AIIB बनाया है हमने। तो इसी प्रकार का एक बैंक ऑफ द साउथ इन्होंने अलग से बनाया। अब ये जो पैसा है ये वर्ल्ड बैंक या IMF पर निर्भर नहीं है। ये सब कुछ हो रहा था 2008-09 के आसपास, तब US को लगने लगा कि वेनेजुएला जो है ये एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट देश है और सोशलिज्म और कम्युनिज्म से अमेरिका को हमेशा से नफरत रही है, तो इसीलिए वेनेजुएला के साथ इनके रिश्ते धीरे धीरे खराब होते गए। 2013 में निकोलस माड्यूरो पावर में आते हैं, ये है निकोलस माड्यूरो। तो निकोलस माड्यूरो 2013 में चुनाव जीतते हैं, 2019 में फिर से चुनाव जीतते हैं, लेकिन 19 वाले इलेक्शन पर पश्चिमी देशों ने कहा कि ये फर्जी चुनाव थे और माड्यूरो जो जीत कर आए हैं वो प्रॉपर वोटिंग नहीं हुई है। तो इनके इलेक्शंस के बाद से 2019 के बाद से US ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। इससे वेनेजुएला की इकोनॉमी तेजी से खत्म होती है, यहाँ से मास एमिग्रेशन होता है, लाखों की संख्या में लोग वेनेजुएला छोड़कर कोलंबिया जैसे देशों में चले जाते हैं और वेनेजुएला की हालत 2019 में काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन अब 2022 में दुनिया एक पूरा सर्कल घूम के वापस आ चुकी है, 3 years later US को वेनेजुएला की आवश्यकता है। इसीलिए जो बाइडन ने खुद अपने ऑफिस से एक डेलीगेशन को भेजा है निकोलस माड्यूरो की सरकार से मिलने के लिए, ये घटनाक्रम पिछले 4-5 दिन में हुआ है। तो इस रशियन इन्वेजन के बाद से रशिया की ऑयल और गैस सप्लाई बंद हो गई है दुनिया में, वेनेजुएलन ऑयल की US को आवश्यकता है और इसीलिए 5 मार्च को एक सीनियर US डेलीगेशन, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द व्हाइट हाउस, ये मिलने जाते हैं निकोलस माड्यूरो को काराकस में जो कैपिटल है वेनेजुएला का, और ये कई सालों में पहली मीटिंग है किसी भी सीनियर अमेरिकी ऑफिसर या मंत्री की वेनेजुएला में। US डिप्लोमैट्स अब अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से रशिया के द्वारा रोकी गई एनर्जी सप्लाई को फिर से कॉम्पेंसेट किया जा सके। वेनेजुएला इन्हें एक अच्छा ऑप्शन लगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक ओपेक मेंबर स्टेट है, पहले से यहाँ सप्लाई चेन्स वगैरह इनकी बनी हुई है क्योंकि कई सारी US कंपनीज वेनेजुएला में काम करती थी और सैंक्शन अभी रिसेंटली 3 साल पहले ही लगाए गए हैं। तो जैसे ही सैंक्शन हटेंगे तो तुरंत ये सप्लाई चेन को फिर से रीस्टार्ट किया जा सकता है और US ने एक ही शर्त रखी है कि आप जो भी ऑयल बेचोगे वो पहले US आना चाहिए। तो इनकी शर्त देखिए आप, इट शुड बी डायरेक्टली शिप्ड टू US फर्स्ट, फिर हम आगे भेजेंगे, उसे कहां पर हमें भेजना है वो हमारी मर्जी है। तो अब वेनेजुएलन क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है इस वक्त ये भी हम देख लेते हैं। तो जहां 2019 से पहले इनका प्रोडक्शन प्रतिदिन 2.5 लाख बैरल था, वो 2021 आते आते 5 लाख बैरल पर आ गया, 1/5 प्रोडक्शन रह गया था इनका और अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, 6.5 लाख के आसपास ये पहुंचने वाला है। तो वेनेजुएला को भी इससे डेफिनेटली फायदा होगा। तो US ऑफिशियल्स का मानना है कि वेनेजुएला को अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स का फायदा उठाना चाहिए और हम सैंक्शंस हटा देंगे लेकिन तेल हमारे कहे अनुसार बेचो। बाय द वे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से ऑयल की ड्रिलिंग होती है, दिस इज अ वेरी जेनेरिक ऑयल रिग जिससे तेल को जमीन से निकाला जाता है। अब इस पूरी डील से अमेरिका को क्या फायदा है, देखिए US की कई प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी वेनेजुएला में काम कर रही हैं जिनमें सबसे बड़ी कंपनी है शेवरॉन। तो शेवरॉन काफी सालों से ये लॉबी करने की कोशिश कर रही है कि सैंक्शंस को हटाया जाए, फाइनली शेवरॉन की किस्मत अच्छी है, बैठे बिठाए इनके सैंक्शंस हटने वाले हैं और शेवरॉन को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। और शेवरॉन के जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जैसे ही ये ऑयल मार्केट में आएगा इसे रिफाइन किया जा सकता है, जो US की रिफाइनरीज हैं वो तुरंत रशियन ऑयल की जगह वेनेजुएलन ऑयल को स्विच कर देंगी और रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वेनेजुएला को भी बहुत फायदा है, एक्चुअली वेनेजुएला रशिया का बहुत ही करीबी मित्र रहा है, खास करके पिछले 4-5 सालों में जब से ये US ने इन्हें सैंक्शन करना शुरू किया तब से ये रशिया की बाहों में चले गए सो एज टू स्पीक, और वेनेजुएला रशिया की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुएला का बहुत सारा पैसा रशियन बैंक्स में अटका हुआ है और रशियन बैंक्स को फ्रीज कर दिया है, इंटरनेशनली ये पैसा एक्सेस कर नहीं सकते, तो इन्हें भी पैसे की अभी सख्त आवश्यकता है। वेनेजुएला डेस्परेटली नीड्स न्यू फॉरेक्स इनकम और ये फॉरेन एक्सचेंज इन्हें कहां से मिलेगा, अमेरिका को ऑयल बेचने से। तो इसी प्रकार से दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। अमेरिका द्वारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए जाने के तुरंत बाद वेनेजुएला ने भी अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा संदेश दिया, दो लोगों को अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, ऑयल एंड गैस एग्जीक्यूटिव्स थे, कई सालों से वेनेजुएला की जेल में थे, उन्हें अचानक से छोड़ दिया गया, ये बिल्कुल कल की न्यूज़ है। तो US ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स थे, इन्हें वेनेजुएला की जेल से रिहा कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि अब इनकी डील जल्द ही हो जाएगी।
अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अपनी ग्लोबल ऑयल सप्लाई को सिक्योर करने में लगा है, लेकिन इस बीच में ऐसे देश जो इनके हमेशा से साथी रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये इनके फोन कॉल्स ही नहीं उठा रहे। इन्हें पता है कि ऑयल की जरूरत है यूएस को, बाइडन को, तो ये रेट बढ़ाएंगे या फिर अपना फायदा देखेंगे, कोई ना कोई अपनी जियो पोलिटिकल डील इसमें शामिल करेंगे। सो दे नो दैट अमेरिका नीड्स द ऑयल डेस्परेटली। पहले यूएस को इनके ऑयल की इतनी डेस्परेट आवश्यकता नहीं थी, कई सारे एरियाज थे जहां से तेल खरीदा जा सकता था, अब नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए इन गल्फ कंट्रीज के लीडर्स अभी यूएस को इतना भाव नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के जो रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस हैं वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, और आप देखिए कि कई सारे आर्टिकल्स आने लग गए हैं यूएस की मीडिया में जहां पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि निकोलस माड्यूरो तो कैपिटलिज्म के चैंपियन हैं, पिछले 10 साल से इन्हें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, और अब अचानक से एक कैपिटलिस्ट बन गए। तो इस तरह के कई आर्टिकल्स पिछले 5-6 दिनों में मैंने देखे। एनीवेज, यूएस का जो ये ड्यूअल नेचर है ये हम कई बार देख चुके हैं। जैसे कि वैक्सीन सप्लाई करने में यूएस को बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में यूक्रेन क्राइसिस बहुत ही अनोखी चीजें लेकर आ रहा है। जो भी इस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे, आई विल अपडेट यू ऑन दोज। यूक्रेन के वॉर में क्या चल रहा है, मेरा आने वाला लेक्चर उसी के बारे में होगा। क्या अपडेट्स हैं पिछले 4-5 दिनों की, वो सब मैं आपको एक साथ बता दूंगा। लेक्चर्स के पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, आप यहां पर लाइव पढ़ सकते हैं इन सभी एजुकेटर्स से, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर। इन सब्सक्रिप्शंस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या 18 मंथ सब्सक्रिप्शन बहुत ही आवश्यक है अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 18 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें। ऑप्शनल का जो कोर्स है अभी फ्री में मिल रहा है अगर आप अभी इस वक्त प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर प्लस। आइकॉनिक के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल जाती है। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है वो सुबह 8 बजे चल रहा है, लाइव क्लासेस हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं हिस्ट्री क्लासेस में, लिंक अगेन पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। हमारे अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करवाते हैं। हमने ना केवल क्लासेस बल्कि बहुत सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट करी हैं। देर आर मल्टीपल टेस्ट्स, आपकी प्रोग्रेस क्या है वो हम ट्रैक करते हैं, आपको बताते हैं, आपके साथ बहुत सारी हम डिटेल्स शेयर करते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी तैयारी के बारे में, जो आपको और बेहतर बनने में मदद करती हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस में आप जुड़िए। दिल्ली में रहने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, 12 मार्च को अनअकैडमी स्टोर ओपन हो रहा है। इट्स एन ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर, आप आइए इस एक्सपीरियंस सेंटर में। फिलहाल इसमें आने के लिए आपको एक लिंक पर रजिस्टर करना होगा ताकि बहुत सारी भीड़ ना हो, कोविड के प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे लिंक है उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो अपने आप को। 13 मार्च को यानी कि रविवार सुबह 9 बजे मैं आपको दिल्ली में मिलूंगा, मुखर्जी नगर में। द बुक शॉप नाम का एक बुक स्टोर है बत्रा सिनेमा के बिल्कुल बगल में, वहां पे आपको 9 से 12 बजे के बीच में मैं मिलूंगा। आई विल बी देयर टिल 12:30 PM, तो उससे पहले पहले आ जाओ और आप मुझसे भी मिल सकते हो। हमारा एक इवेंट भी हो रहा है वहां पर, उसमें भी आप जुड़िए। कोई भी ऑफर से रिलेटेड डाउट्स हैं इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। EMI पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चैंपियनशिप में रजिस्टर करो अभी से, आप अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।